जब किसी महापुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद उसे कैसा लगता है? एक मुक्त पुरुष को किस प्रकार के अनुभव होते हैं? असल में आप जिस मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं आप जानते ही नहीं हैं कि मोक्ष क्या है। आप उसके बारे में यही नहीं जानते कि आप किसके पीछे भाग रहे हैं। क्या आपको मोक्ष का सही अर्थ पता है? मोक्ष, मुक्ति या ज्ञान प्राप्ति क्या है? जब मोक्ष के बारे में कुछ सवाल महर्षि रमण से पूछे गए तो उन्होंने क्या उत्तर दिए, चलिए देखते हैं। एक साधक महर्षि रमण से पूछता है, भगवान मोक्ष क्या है? महर्षि रमण कहते हैं, मोक्ष ही हमारा सहज स्वभाव है। असल में बंधन में होने की कल्पना हम स्वयं ही करते हैं और फिर आप अपनी ओर से मुक्त होने के लिए कठिन प्रयास करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने जीवन के कड़े फैसले और बड़े बड़े त्याग करते हैं। हालांकि जब आप मुक्त होने के लिए जो भी प्रयास कर रहे होते हैं, मुक्त तो आप तब भी होते हैं जब आप अपनी परम अवस्था में आ जाते हैं। तब आप केवल यह जान पाते हैं कि आप जिसे पाने के लिए दीवानों की तरह भटक रहे थे, अथक प्रयास कर रहे थे, वो तो वहां पहले से ही मौजूद था। महर्षि रमण इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, एक व्यक्ति अपने कमरे में सो रहा है, वह गहरी निंद्रा में है और वह सपने में देखता है कि वह दुनिया की सैर के लिए निकला है। वह अपने स्वप्न में पहाड़, नदियां, प्रकृति, जंगल, खुले मैदान, रेगिस्तान और कई महाद्वीप, वह इन सब की यात्रा कर रहा है। वह व्यक्ति दुनिया का भ्रमण करके अपने देश में वापस आ जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। तभी उसकी आंख खुलती है। आंख खुलते ही वह पाता है कि वह तो अपने स्थान से हिला भी नहीं, वो पहले से ही अपने कमरे में ही उपस्थित था। यानी वापस उसे अपने घर में आने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ा क्योंकि वो तो वहीं मौजूद था। असल में सत्य भी कुछ ऐसा ही है। हम मुक्त होने के बावजूद बंधन में होने की कल्पना करते हैं। क्या आप स्वयं से पूछेंगे कि कभी आप स्वयं में स्थित हो पाते हैं? आप अपने में रहते हुए भी संसार की यात्रा करते रहते हैं। क्या आप पूरा जीवन अपनी कल्पनाओं में ही नहीं बिताते? आप अपने जीवन के किसी भी पहलू को उठाकर देख लीजिए, हर एक पल आपके दिमाग में कल्पना ही चलती रहती है। अगर आप शांति से बैठे हुए हैं और आप अपने स्वभाव में जाने का प्रयास कर रहे हैं तब भी आप कल्पना के जगत में रहते हैं। आप अकेले एकांत में बैठे हुए दूर बैठे अपने परिवारजनों की चिंता करते हैं, उनकी कल्पना करते हैं, और जब परिवार में होते हैं तो अपने ऑफिस के कार्यों की कल्पना करते हैं। जब आप कोई चित्र देखते हैं तो आपका मन आपको वहां ले जाता है, वहां की कल्पना उत्पन्न करने लगता है। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं तब भी आप स्वयं में स्थित नहीं होते, तब आप उस फिल्म की चलचित्रों की कल्पना में खोए होते हैं। उस एक ही पल में, एक ही समय में आपका मन न जाने कितनी जगहों के भ्रमण करता है, कितनी कल्पना करता है। अगर आप अपनी सभी कल्पनाओं को जांचना शुरू कर दें तब आप पाएंगे कि आपकी वह सभी कल्पनाएं वही आपका बंधन है। जिस मुक्ति के लिए आप भाग रहे हो वह तो पहले से ही मुक्त है। असल में ये समस्त जगत, ये संसार, ये आपके मन में है और यही माया है। आध्यात्म की सभी क्रियाएं आपके लिए केवल साधन बनती हैं। ये सभी साधन आपको वहां तक ले जा सकते हैं जिसकी खोज आप कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है जिसे खोजते खोजते आप चारों तरफ टक्कर खा रहे हैं, टक्कर खाकर गिर रहे हैं और फिर थक हार कर वापस अपने भीतर आ जाते हैं। भीतर आते ही आप पाते हैं कि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे वो तो मेरे भीतर ही मौजूद है। जो लोग सीधे सीधे अपने भीतर खोज में निकल पड़ते हैं फिर उसके सभी भ्रम टूटने लगते हैं और वह अपने स्वरूप को जान पाता है। साधक पूछता है कि आत्मा को जानना क्या है, आत्मा का अनुभव कैसे होता है? जब किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान घटता है तब वह आत्मा को किस प्रकार जान पाता है, उसका क्या अनुभव होता है भगवान? रमण महर्षि कहते हैं, आत्मज्ञान का यह अर्थ नहीं कि साधक की आंखों से पर्दा हट जाएगा और वह अपनी आत्मा के दर्शन करेगा। भला आत्मा के दर्शन कौन कर सकता है? ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि अगर केवल कोई एक ही है, अगर वही परम सत्य है तो वह स्वयं को नहीं देख सकता, तब भला ईश्वर का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है?
केवल उसमें विलीन होकर वही हुआ जा सकता है। असल में आपका मन जो संसार की ओर भटकता रहता है, विषय वस्तुओं की चाहत रखता है, आपके पास केवल इतनी स्वतंत्रता है कि आप अपने संसार में भटकने वाले मन को अपने भीतर ही मोड़ दें। जब तक आपका मन बाहर की तरफ भागेगा, तब तक आप केवल बाहर की और संसार की वस्तुएं पाने की इच्छा करते रहेंगे। आपके कुछ प्रयास से आप कुछ बाहरी चीजें पा भी सकते हैं, परंतु जब आपको सभी चीजों में रस नहीं होता, तब आप उस आत्मा को, उस ईश्वर को भी अपने बाहर की ओर यानी संसार में ढूंढने लगते हैं। और ये ढूंढने के सभी कार्य आपका मन करता है। और जो चीज, जो अनुभव सांसारिक है ही नहीं, वह आपको संसार में नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको अपने मन को तैयार करना चाहिए कि जो वह परमानंद ढूंढ रहा है, जो मुक्ति और ज्ञान ढूंढ रहा है, वह भौतिक या सांसारिक नहीं है, वह तो उसके स्वयं के भीतर मौजूद है। तो मन को अपने भीतर की ओर मोड़ें। जब आपकी प्यास गहरी होती है, तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ। जब ये प्रश्न आपके हृदय तक पहुँचता है, तब ये मैं विलीन हो जाता है। तब आपका असल मैं के रूप में सामने आता है। जब तक आपका सांसारिक मैं, या कहूँ ऊपरी मैं है, तब तक वह केवल अहंकार है। जब ये मैं खो जाता है, तब वही मैं बसता है जो स्वयं आत्मा है। और जो इसे जान पाता है, फिर वही कह पाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये प्रकृति हूँ, ये समस्त सृष्टियाँ मेरे ही द्वारा चलाई जा रही हैं। तब ये अहंकारी वाला मैं नहीं है। अगर आपको याद होगा तो कृष्ण ने भी तो अर्जुन को यही कहा था कि मैं ही अनादि हूँ, मैंने अनेकों अनेक जन्म लिए हैं, तेरे भी अनेकों अनेक जन्म हुए हैं अर्जुन, बस फर्क इतना है तू अपने सभी जन्मों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। ये सब कुछ जो तुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझसे ही शुरू होता है और मुझ पर ही अंत हो जाता है। ये सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है, मैं ही इन्हें संभाल रहा हूँ और मेरे ही द्वारा इसका विनाश होगा। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण का ये मैं, वह साधारण वाला मैं नहीं है, ये अहंकार वाला मैं नहीं है, बल्कि यह परम सत्य है। स्वयं ईश्वर कृष्ण के शरीर से ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए ये कहना भी हास्यास्पद है कि मैंने आत्मा का ज्ञान पा लिया है या मुझे आत्मज्ञान हो गया है। जब आप इस वाक्य को जांचेंगे, तो आप केवल यही जानेंगे कि ये अहंकार है, क्योंकि यहाँ द्वैत मौजूद है, एक आत्मा और एक जिसे आत्मा का ज्ञान हुआ, यानी वो मैं। ये वही मैं है जो अहंकार के रूप में खड़ा रहता है। यहाँ दो आत्मा नहीं है कि एक ने जाना और दूसरा जिसे जाना गया। इसलिए आज तक कोई भी परम ज्ञानी ये नहीं कह पाया कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, मैंने आत्मा का साक्षात्कार किया। ये तो कतई संभव नहीं है। सत्य की खोज करना और सदा उसमें स्थित होना, यही एक परम साधना है। बाकी सभी सिद्धियां स्वप्न मात्र हैं, वो सभी माया का हिस्सा हैं। सिद्धियां पाकर आप चमत्कार जरूर कर सकते हैं, परंतु ईश्वर को उसे नहीं पाया जा सकता। जब तक मनुष्य करता है, तब तक उसे अपने सभी कर्मों का फल भुगतना ही होगा। परंतु जैसे ही वह अपने स्वयं में स्थित होकर आत्मज्ञान पा लेता है और वह यह जान लेता है कि कर्ता कौन है, तब उसके कर्ता का अहम भाव नष्ट हो जाता है और तीन प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है। यही अनंत मोक्ष की अवस्था है। जब तक आपको लगता है कि आप बंधन में हैं, तब तक आप हर प्रकार के विचारों में उलझे रहेंगे। उसमें मुक्ति, मोक्ष और सत्य के विचार भी होंगे, ज्ञान के विचार भी होंगे। अब अगर आपके भीतर ज्ञान का विचार भी मौजूद है कि आप ज्ञानी हैं, तो ये भी एक बंधन है। जब आप यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये बंधन में कौन है, तब आप अपनी मुक्त अवस्था की ओर प्रवेश करते हैं। जब आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जो असल में कभी थे ही नहीं, तब भी आपके भीतर एक बंधन हो सकता है, मोक्ष पाने का बंधन। अगर आपके भीतर मुक्ति या मोक्ष का एक भी विचार मौजूद है, तब भी आप मुक्त नहीं हुए। अंत में इन सभी बातों का एक ही अर्थ है। जब आपके भीतर से सभी चीजों का मिटाव हो जाता है, जब ना तो आपके भीतर कोई सांसारिक बंधन होता है और ना ही कोई आध्यात्मिक बंधन, मतलब जब कुछ नहीं बचा, ईश्वर, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति, सत्य या ज्ञान, जब कुछ नहीं रह जाता, तब आप कुछ नहीं हो जाते।
और इस कुछ नहीं से ही सब कुछ उत्पन्न है। सत्य का अनुभव कुछ ऐसा है, आत्मज्ञान की घटना एक ऐसी घटना है जिसका कोई अनुभव नहीं, कहने का कोई उपाय नहीं।